एक और नया दिन और एक और नई कार। स्वागत है आप सबका कार किट की एक और नई वीडियो में। और आज हम पहुंचे हैं दादा किया। ये है हमारे सामने किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट। आपकी डिमांड पे आज हम किया सेल्टोस का बेस वेरिएंट लेके आए हैं जो सबसे नीचे है। आज ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार बेस मॉडल में भी इतना कुछ है। तो आज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना कोई इधर उधर की बात किया हम सीधा इसके फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी गंदी है, मैनेज करना क्योंकि अभी ड्राइव पे होके आई है। फ्रंट से देख सकते हैं आप, बड़ा सा विंडो साइज एरिया मिलता है आपको और उसी के साथ आपको ट्विन वाइपर मिलते हैं। किया की यहाँ पे बैजिंग और यहाँ पे देखिए कट्स मिलते हैं जो बहुत बढ़िया दिखाता है इसके फ्रंट लुक को। और उसी के साथ आपको सिल्वर फिनिश मिलती है फ्रंट पे। और यहाँ पे इसके अपर मॉडल्स पे DRL मिलती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट दिया गया। मैट फिनिश में बंपर है, इंडिकेटर एंड हलोजन का यहाँ पे सेटअप है। और नीचे आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलता है वो भी हलोजन में। कई कंपनीज तो देती ही नहीं है प्रोजेक्टर लैंप बेस वेरिएंट में, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलता है। उसके साथ ही सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर भी कंटिन्यू करके दी गई है। नीचे भी आपको सिल्वर फिनिश दी गई है और उसी के साथ ही हॉरिजॉन्टल आपको बंपर दिया गया। इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलती बिकॉज यार ये बेस मॉडल है तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये प्रोजेक्टर लैंप भी बहुत कमाल का, कोई ऐसी बात नहीं है। साइड लुक आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं 205/65 R16 के व्हील्स। और जो इसका व्हील है वो 16 इंच का है, इसके अपर मॉडल्स में 17 इंच का हो जाता है। और यहाँ पे व्हील कैप चढ़ा हुआ है, कोई यहाँ पे अलॉय नहीं दिया गया। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं इसके अपर मॉडल में, लेकिन इंडिकेटर अब यहाँ पे दिया गया है इसके बेस वेरिएंट में। नीचे स्कर्टिंग मिलती है, बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, ऊपर रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं, वो अपर मॉडल्स में मिलती हैं। 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। अगर इसके बैक लुक की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड वाइपर इसके अंदर आपको नहीं आता बिकॉज बेस वेरिएंट है। और ये यहाँ पे आपको बैक लाइट दी गई है और यहाँ पे फुल एडजॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे किया की बैजिंग दी गई है, सेल्टोस की बैजिंग। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं 4 और इसके अंदर बैक कैमरा नहीं आता है, लेकिन पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर मिलता है और उसी के साथ यहाँ पे आपको डिजाइन मिलता है, देख सकते हैं। नीचे आपको सिल्वर स्कर्टिंग मिलती है। अगर बूट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल बूट है और उसी के साथ आपको स्टोरेज मिलती है 433 लीटर्स की। और अगर इसको उठाएं तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। इसका टायर साइज है 205/65 R16, सेम टायर साइज है इसका। और इधर की साइड आपको हुक दिया गया, अगर कुछ लटकाना हो तो लटका सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है, अब इसको बंद करते हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इंजन भी हमने खोल दिया और आप इसकी फिट एंड फिनिश देख सकते हैं। इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 115 BHP एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। और ये BS6 फेज 2 पे कंप्लायंट है, जिसके मतलब इसका इंजन रिफाइंड भी है और ये पोल्यूशन फ्री इंजन है। थोड़ा सा पोल्यूशन करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता। और यहाँ पे आपको इंसुलेशन दी गई है ऊपर और सामने भी आपको इंसुलेशन दी गई है ताकि इंटीरियर के अंदर नॉइस ना जाए, तो ये बहुत बढ़िया लगा। अब इसके इंटीरियर के अंदर बताते हैं कि बेस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, तो चलिए इंटीरियर में चलते हैं। मैं ना किया से बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए किया के जो अपडेट्स आते हैं कि कार में चेंजेस करते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन ये की में भी चेंजेस लेके आते हैं। देखिए जो किया की पुरानी चाबी थी वहां पे यहाँ पे सिल्वर कलर में आपको मिलते थे बटन्स, लेकिन यहाँ पे अब किया की भी चाबी चेंज हो चुकी है। किया की बैजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड बूट का बटन दिया है। भाई बेस वेरिएंट में ही आपको इलेक्ट्रिकली ओपनेबल टेल बूट मिलता है जो जहाँ से ही अनलॉक हो जाता है, चाबी लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलती है, बाई चांस अगर चाबी की बैटरी खत्म हो जाए तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके अंदर जा सकते हैं। एक तरफ मारुति देख लो जो 2012 से अपनी की लेके आ रही है, घिसी पिटी सी आज तक सेम टू सेम चल रही है। ये तो यार क्या बताऊं, किया से ना मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के बारे में। और यहाँ पे आपको सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है पूरा, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे नहीं मिलता बिकॉज इट्स बेस वेरिएंट। पूरे चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, चाइल्ड लॉक सेफ्टी भी है, लॉक अनलॉक है, लेकिन ORVM से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको ट्विटर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, लेकिन इसके अंदर ना ही स्पीकर आते हैं ना ही ट्विटर आते हैं और ना ही इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। बाकी तो ये आपने देख ही लिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी अंदर जाके बात करेंगे कि यहाँ पे आपको की लगाने का ऑप्शन मिलता है,
ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बेस मॉडल में मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेस मॉडल में दे रहे हैं और ऑटो ऑफ बटन एंड लाइट के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। और बेस वेरिएंट में ही सिक्स वे एडजस्टेबल सीट हाइट ऑप्शन कहीं देते ही नहीं कंपनी, वो भी दी हुई है। बाकी बात हम इसके अंदर जाके करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो हम किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट के अंदर हम बैठ चुके हैं और देखिए डैशबोर्ड की लुक। और यहाँ पे आपको ब्लैक के साथ ना थोड़ा लाइट ग्रे स्टोन दिया गया है यहाँ तक। और उसी के साथ अगर हम ड्राइवर साइड लुक की बात करें, यहाँ पे आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे राउंड स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको। लेदर फिनिश भी नहीं है और यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट दिया गया है किया की बैजिंग। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो करोल बाग से आप लगवा सकते हैं, करोल बाग जिंदाबाद। और यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो है 10.25 इंच का, और यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं वाइपर कंट्रोल्स एंड हियर वी गॉट लाइट कंट्रोल्स। स्टीयरिंग को एडजस्टमेंट मिलते हैं बेस वेरिएंट में, टिल्ट आप कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। और अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक। इधर की साइड आपको स्पीड दिखा रहा है, उधर की साइड आपको आरपीएम फ्यूल का इंडिकेट कर रहा है। और बाकी अगर मैं बताऊँ एमआईडी को चेंज करके, जहाँ पे आपको टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। नीचे सीट बेल्ट के ऑप्शन दिखा रहे हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगी है। और बाकी आप देख ही सकते हैं सेंस रिफ्यूलिंग, लास्ट रीसेट, ऑटो स्टॉप, ये सभी फीचर इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, हजार्ड बटन मिलता है आपको, उसी के साथ आपको एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप सी पोर्ट, और ऊपर भी यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है फोन रखने को, और नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। सिल्वर एक्सेंट के साथ आपको मैनुअल गियर लीवर मिलता है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, टू कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, और सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आपको मिल जाती है आर्म रेस्ट बेस वेरियंट में। क्या भाई किया ने तो क्या ही कर दिया, मन खुश हो गया, मेरा तो मन बन गया कि कार ले लूँ ये मैं। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कूलिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं है, इसके अपर मॉडल्स में है। यहाँ पे मिलता है टिकट होल्डर, टू लाइट्स मिलती हैं आपको हेलोजन में, और सनग्लास होल्डर। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर, फैब्रिक सीटिंग के साथ इसके अंदर सीटिंग आती है। तो ये तो थी इसके फ्रंट लुक की बात, अब इसके बैक सीट पे जाके बात करते हैं इसके कंफर्ट और फीचर्स के बारे में। भाई कभी देखा किसी बेस वेरिएंट के अंदर आपको पीछे सनशेड मिलते हो, इसके अंदर सनशेड भी मिलते हैं। सिल्वर एक्सेंट आपको डोर ओपनिंग पे मिलता है, विंडो का कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये तो आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। उसी के साथ आपको 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आराम से आ जाएगी, और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। अब अंदर बैठे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट मैंने पूरी पीछे की हुई है, तब भी मेरे पास कितना नी रूम है, और मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। थाई स्पोर्ट भी मेरे पास बेस्ट है, और हेडरूम की बात करें तो सफिशिएंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोट हुक मिलता है विद ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलती है सेंटर में, और यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट इन द बेस वेरियंट मिलता है आपको, और यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलता है 2 हेडरेस्ट बट लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। और यहाँ पे आपको बेस मॉडल में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसी के साथ आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, और हल्का सा हम्प है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 3 बंदे पीछे बैठ के जा सकते हैं। बाकी एक और बढ़िया बात लगी, देखिए जो बाकी कार कंपनीज होती है ना, कईयों की बात कर रहा हूँ, बेस मॉडल में यहाँ पे प्लास्टिक शीट लगा के यहाँ पे कवर कर देती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी ग्लास एरिया दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट इसके अंदर शायद नहीं मिलते हैं, कि जो सेफ्टी फीचर होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। चलिए अब इसके बाद जाके बात करते हैं। तो यही था हमारा छोटा सा रिव्यू रिगार्डिंग किया सेल्टोस बेस मॉडल जो आपकी डिमांड पे बनाया गया था। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो नियर अबाउट 10,90,000 रुपीस एक्स शोरूम आ जाती है। अगर इसके वारंटी की बात करें तो मिल जाती है 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, और आप इसको एक्सटेंड करा के 5 ईयर्स तक कर सकते हैं। और बाकी आप बताइए कैसे लगी आपको ये कार इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं एक और नए दिन और एक और नई कार के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।